बिहार में सियासी उठापटक के बीच अब तक राजद के चार विधायकों ने अपना खेमा बदल लिया है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद से अब तक चार विधायक एनडीए के साथ जा चुके हैं। पहले फ्लोर टेस्ट के दिन तीन विधायकों ने राजद से नाता तोड़ लिया और अब मंगलवार को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में ही राजद विधायक संगीता देवी सत्ता पक्ष के साथ मिल गईं। लेकिन राजद के चार विधायक भले ही भाजपा के पाले में चले गए हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर विधानसभा में राजद अब भी सबसे बड़ी पार्टी है। इसके लिए राजद ने भी अपनी रणनीति बनाई है ताकि भाजपा विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी नहीं कहलाए। मंगलवार को बिहार की राजनीति में मंगलवार को फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। विपक्षी खेमे से राजद की ओर और कांग्रेस के दो विधायक सत्ता पक्ष के पाले में आ गए। विधानसभा में चालू सत्र के दौरान ही कांग्रेस विधायक मुरारी कुमार गौतम व सिद्धार्थ सौरव तथा राजद की विधायक संगीता देवी सत्ता पक्ष की बेंच पर आकर बैठ गए। लेकिन तकनीकी तौर पर विधानसभा में राजद अब भी सबसे बड़ी पार्टी है। बेशक अब तक राजद के चार सदस्य राजद छोड़कर दूसरे पार्टी में हाथ मिला चुके हैं, इसके बाद भी विधानसभा में राजद सदस्यों की संख्या अब भी 79 है। राजद के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि राजद किसी भी कीमत पर पार्टी छोड़कर सत्ताधारी खेमे में जाने वाले चार विधायकों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाने जा रहा है, क्योंकि विधानसभा में राजद अपनी तकनीकी बढ़त को कमजोर नहीं करना चाहता। राजद से जुड़े सियासी जानकारों के मुताबिक राजद बागी सदस्यों को पार्टी से बाहर नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऐसा करते ही विधानसभा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। राजद के बागियों ने अभी तक दूसरे दल मसलन भाजपा की प्राथमिक सदस्यता नहीं ली है। बता दें कि इससे पहले 12 फरवरी को नीतीश सरकार के विश्वास प्रस्ताव के दौरान भी राजद के तीन विधायकों मोकामा की नीलम देवी, सूर्यगढ़ा के प्रहलाद यादव और शिवहर के चेतन आनंद ने पाला बदलते हुए सरकार को अपना समर्थन दिया था। एक तरफ जहां राजद खेला होने का दावा कर रही थी और अपने विधायकों को दो दिनों तक तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर ही रखा था, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में जब वोटिंग की बारी आई तो तीन राजद विधायक जाकर सत्ता पक्ष की बेंच पर बैठ गए थे। ऐसा ही कुछ मंगलवार को हुआ जब तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा के तहत कटिहार और भागलपुर में भ्रमण कर रहे थे। वहीं सदन के अंदर ही राजद के एक विधायक संगीता देवी जाकर सत्ता पक्ष के साथ बेंच पर बैठ गईं। कांग्रेस के भी दो विधायकों ने इसी दिन पाला बदला। वहीं कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार का दावा है कि अभी बड़ी संख्या में राजद और कांग्रेस के विधायक भाजपा के संपर्क में हैं।